नमस्कार दोस्तों, आज हम घर पर ही बनाएंगे हल्दीराम स्टाइल महंगे वाली नमकीन, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। कितनी क्रिस्पी है ये तो आप देख ही सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप सूजी का, ये देखिए 1/4 कप मैंने सूजी का लिया है, और साथ में हमें चाहिए 1 कप पानी का। तो प्लीज़ जिस कप से आप सूजी ले रहे हैं ना, उसी कप से पानी लीजिएगा। पानी पूरा भरा हुआ कप है, ये देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ, और सूजी थोड़ी कम है, तो रेशो आप बराबर रखिएगा, फिर परफेक्ट आपकी नमकीन बनने वाली है। अब हम क्या करेंगे कि पानी को कर लेते हैं गर्म। तो 1 कप मैंने पानी का डाल लिया, इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक का, साथ में डाल देते हैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का, और दोस्तों सरसों का तेल इसमें नहीं डालना है। बस पानी को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसके अंदर आप सूजी को डाल लीजिएगा, और गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए। लो फ्लेम पर सूजी को हम मिक्स करेंगे, बहुत जल्दी से मिक्स हो जाती है, और लम्स पड़ने का तो मतलब ही नहीं है। लम्स तब पड़ते हैं जब पानी ज़्यादा होता है, सूजी कम होती है। तो ये देखिए, जब ये मिक्स हो जाए आप इसको नीचे उतार लीजिए, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अगर हम गैस के ऊपर रखे रखेंगे ना, तो इसमें हीट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि नीचे उतार कर अच्छे से अब मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको आप ढक कर रख लीजिएगा जितनी देर में हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप लिया है मूंगफली का, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं, काजू और बादाम, जिन्हें की दो दो टुकड़ों में काट लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी नमकीन बना सकते हैं। यहाँ ली है किशमिश, किशमिश को मैंने काटा नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लगती है बच्चों को भी। थोड़े से मैंने लिए हैं पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस के दाने, आप चाहें तो मेलन सीड्स भी ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने लिया है फूल मखाने का, और 1/2 कप लिया है कड़ी पत्ता का, जो कि मैंने काट भी लिए हैं। अब तेल को हम गर्म कर लेंगे, तो 2-3 चम्मच यहाँ आप तेल के डाल लीजिए, और इसमें फ्राई कर लीजिए अपनी मूंगफली को। तो मूंगफली के 1/2 छिलके मैंने निकाल लिए हैं, आप चाहे तो सारे छिलके भी निकाल सकते हो, आप चाहे बिना छिलके के भी बना सकते हैं। तो रॉ मूंगफली है ये, कच्चे वाली मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगी। अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी पैन के अंदर आप मखाने को भी फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पर ही इसको भी फ्राई करना है, बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं। साथ में डाल देंगे काजू और बादाम, अब इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम रोस्ट कर रहे हैं। साथ में डाल दीजिए कड़ी पत्ता, तो बहुत ज़्यादा इनका कलर अभी चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम कड़ी पत्ता और दूसरे ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट करेंगे ना, फिर इनका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो पहले हल्का कलर आप रखिएगा, और साथ में भून लीजिए कड़ी पत्ते को। कड़ी पत्ता को मैंने काट भी लिया है, जिससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता को अच्छे से भूनिएगा, कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब कड़ी पत्ता भून जाए तभी इसके अंदर आप खसखस को डालिए, साथ में डाल दीजिए किशमिश को। अगर हम किशमिश और खसखस पहले रोस्ट करेंगे ना, तो इससे ये फिर बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, जिससे फिर आपकी नमकीन खराब हो सकती है। तो बस किशमिश को हमने फूलने नहीं देना है, थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, मूंगफली भी इसमें हम मिक्स कर लेंगे, गैस हमारी बंद है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अगली तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 उबला हुआ आलू, आलू को मोटे वाली साइड से कद्दूकस नहीं करना है, प्लीज ध्यान रखिए, बारीक वाली साइड से ही कद्दूकस कीजिएगा, ठीक है। अब जो हमारी सूजी है वो अच्छे से उतनी देर में सेट भी हो गई है, ये देखिए, और ठंडी भी हो गई है, ये हल्की हल्की गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो जितनी भी हो आप उस बात की चिंता मत कीजिए, आप इसमें डाल दीजिए कद्दूकस किया हुआ आलू, और देख सकते हैं आप, आलू जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं होना चाहिए। अब आप तेल थोड़ा सा हाथ में लगा लीजिए और इसका डो तैयार कर लीजिए। तो जैसे हम आटा तैयार करते हैं ना, ठीक वैसे ही इसको तैयार करना है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मैंने आपको मेजरमेंट दिया है, तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा। थोड़ा ये सरक रहा था इसलिए मैंने नीचे कपड़ा रख लिया है। अब अच्छी तरह से डो को तैयार कीजिएगा, अगर आपको चिपचिपा लगे तो आप थोड़ा सा तेल डो में भी डाल सकते हैं,
और हाथों में भी लगा सकते हैं। तो तकरीबन एक चम्मच मैंने यहाँ यूज कर लिया है डो बनाने के लिए, और एक चम्मच हमने पहले पानी में डाला था, तो 2 चम्मच यहाँ तेल के यूज हुए हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और एकदम बढ़िया हमारा डो तैयार होना चाहिए। अब इनको आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो देखिए 3 हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। हल्का सा बाहर की साइड आप तेल भी लगा लीजिए, और मैं इसे मशीन के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो देखिए हाथों से भी सेवइयों के जैसे बना सकते हैं। अब इसको मोल्ड को आप ग्रीस कर लीजिए मशीन को, और छननी ले लीजिएगा, पतले वाली जाली लगानी है इसमें। देखिए ये मेरे वाले भी थोड़ी मोटी है, आपके पास इससे भी बारीक है ना, तो आप वो यूज कीजिएगा। जितनी बारीक आप इसमें सांचा लगाएंगे उतनी ही बढ़िया आपकी नमकीन बनेगी। अब डो को इसमें डाल लीजिए। दोस्तों बहुत ही आसानी से झटपट नमकीन तैयार हो जाती है, यकीन मानिए बहुत जबरदस्त बनती है, बहुत ही बढ़िया। तो बस इसको आप बंद कर लीजिए, और अब इसकी हम बनाएंगे सेवइयां। जैसे सेवइयां बनाते हैं ना वैसे ही, बस आपको गरम तेल के अंदर इनको इस तरह से फ्राई करना है। ये देखिए कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, आसानी से ये बन जाती है। मोटी पतली जैसे भी बन रही है ना, टेंशन मत लीजिएगा, और तेल जो है ठंडा नहीं होना चाहिए। अब गरम तेल में इनको फ्राई कीजिए, और ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं। बबल्स जब बैठने लग जाएंगे ना तभी इनको आप पलटिएगा, पहले नहीं पलटना है। अगर आप पहले पलट लेंगे ना तो ये टूट सकती है, बहुत सॉफ्ट होती है क्योंकि। तो देखिए 1 मिनट के बाद हल्का सा मैं इसको चेक कर रही हूँ, अगर आपको लगता है नीचे से हो गई है तब आप इसको पलटिएगा, लेकिन तुरंत नहीं पलटना है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। अब इसको मैंने पलट लिया, जितनी भी डार्क आपको करनी है उस हिसाब से आप इनको फ्राई कीजिएगा। ये देखिए यहाँ हल्की मैंने डार्क किया है क्योंकि मुझे क्रिस्पी चाहिए। थोड़ी सी लाइट कलर की भी आपको मैं दिखा देती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए दूसरी बार भी मैंने डाल लिया। अब इसको टच नहीं करना है, कब तक? जब तक कि बबल्स बैठने शुरू ना हुए। ये देखिए अब इसको मैंने पलट लिया, और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज इसे आप लाइक कीजिएगा, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये देखिए जबरदस्त बनी है, बहुत ही क्रिस्पी है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ बनानी है मैंगे वाली, ड्राई फ्रूट्स वाली नमकीन। तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, साथ में डाल दीजिए चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, और साथ में काला नमक डाल रही हूँ। आप चाहे प्लेन नमक भी डाल सकते हैं। अब हल्के हाथों से इनको आप मिक्स कीजिए, और जो बड़े बड़े लच्छे हैं आपके उनको तोड़ लीजिए। तो देखिए कितनी आसान रेसिपी है, जबरदस्त बनती है। 1 महीना 2 महीना आप इसे कंटेनर में स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इसे आप बना कर देखिएगा, रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महंगे वाली नमकीन घर पर डिब्बे भर कर बना कर रखिए, खूब पेट भर कर खाइए, बच्चों को खिलाइए, पड़ोसियों को भी चाय पर फुलाइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और लाइक बटन तो आपने दबा ही दिया होगा। रेसिपी को ट्राई कीजिए, मैं जल्दी मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।